नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र वासिंदर। लोकतंत्र की इस खास मीटिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन को लेकर। जैसे कि आप जानते हैं कि बड़वानी जिला मुख्यालय के बाद सबसे ज़्यादा कोरोना मरीजों की संख्या लेकर सेंधवा जहां नंबर एक स्थान पर था, लेकिन राजपुर ने एंट्री करते ही दूसरा नंबर हासिल कर लिया है। आखिर ये हालात क्यों बने, इसके पीछे क्या वजह रही, ये जानने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है राजपुर SDM अभय ओरिया जी। सर, जो हालात आज बने इसके पीछे क्या कारण है? जो हालात बने हैं उसमें क्या है कि चूंकि आप सब लोगों को विदित है कि लॉकडाउन की स्थिति जब तक रही तब तक हमारे राजपुर नगर में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं था। जैसे जैसे अनलॉक वन की स्थिति बनी, फिर अनलॉक टू की स्थिति बनी, तो अनलॉक टू और वन में जो हमारे नगर के चारों तरफ की जो सीमाएं हैं, चूँकि वो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगती है और हमारे उपखंड से हमारा जो AV रोड है सबसे बड़ा रोड है और उसी से मजदूरों का आना जाना, चाहे वो महाराष्ट्र बॉर्डर से UP के हो, बिहार के हो, छत्तीसगढ़ के हैं, तो सभी मजदूरों का पलायन यहीं से हुआ है। और चूंकि AV रोड होने के कारण हमारा इंदौर नगर से भी सीधा संपर्क है, खंडवा से भी है, खरगोन से भी है, जहाँ कोरोना पेशेंट की मात्रा सबसे ज़्यादा थी और पॉजिटिव पेशेंट थे, तो कहीं ना कहीं अनलॉक वन और टू की स्थिति में आवागमन जो है पूरी तरीके से फ्री होने के कारण जो वहाँ के लोगों का आना जाना, क्योंकि रिश्तेदारी यहाँ की है तो यहाँ के लोग वहाँ गए, वहाँ के लोग यहाँ आए, फिर बाद में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें वहाँ के लोग बैठने आए हैं, यहाँ से बैठने गए हैं, उन पर किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा प्रतिबंध नहीं होने के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ पर नगर में जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आने की जो हिस्ट्री है वो इंदौर से और महाराष्ट्र के धुले शहर से संपर्क में होने के कारण हुई है। उसमें चूँकि परिवार का एक मेंबर वहाँ गया है और वो उनके संपर्क में आने से यहाँ पर आया है, और आने के बाद भी हमारे जो मेडिकल टीम जो सर्वे कर रही है उनको भी बिना बताए घर में एंटर हुए हैं, और एंटर होने के बाद उसमें हमारी जो टीम चल रही है उनको भी जैसे सर्वे चल रहा है, सर्वे में कॉन्टेक्ट हिस्ट्री और बाहर एक सप्ताह में आने जाने वालों की हिस्ट्री है, कोई बताने को तैयार नहीं है, छुपाने से ही मुख्य कारण बने हुए हैं। असल जैसे हम बात करें कि प्रदेश सरकार किल कोरोना अभियान चला रही है, वहीं नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो यहाँ के जो हालात है उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह निष्क्रिय है। लोगों की जिस हिसाब से सैंपल किया जाना चाहिए, सर्वे किया जाना चाहिए, वो अभी तक कहीं तक नजर नहीं आए। किल कोरोना अभियान जैसे कि आपको विदित है कि 1 जुलाई से लगा के 15 जुलाई तक जो चल रहा है उसमें जिले से पूरी टीम हमारी बनी हुई है, और उसमें प्रत्येक विलेज को और प्रत्येक विलेज के सभी डोर टू डोर सर्वे हमारा चल रहा है और हमारी टीम मुस्तैदी से काम कर रही है, और उसमें कोई भी पेशेंट सर्दी खांसी बुखार का हो या किसी प्रकार की दिक्कत वाला है तो डोर टू डोर जाके सर्वे कर रहे हैं। और हमारी जो टीम बनी हुई है, चाहे वो अंजड़ की हो, टिकरी की हो या राजपुर की बात करें, तो सभी में एवरेज हमारे एक एक ब्लॉक के 15-15, 20-20 मरीज जो है बुखार के पेशेंट या सस्पेक्टेड आ रहे हैं, उनके अगले दिन हम लोग तुरंत सैंपल ले रहे हैं और सैंपल लेने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। हालांकि पहले जो किल कोरोना से पहले जैसे आप लोगों को पता है कि सिम्टोमेटिक जो व्यक्ति है उन्हीं के सैंपल लिए जाने का प्रावधान था, किंतु वर्तमान में जो कहीं पर भी ऐसे दिखते हैं और पर्टिकुलर जो है जिस फैमिली में और जिस समाज में और जिस मोहल्ले में इस प्रकार की जो स्थिति निर्मित हो रही है वहाँ हम लोग 100% का वो जो है सैंपल लेने की कार्रवाई। सर, जैसे जो तेज रफ्तार से अपने राजपुर में जो 30,000 पेशेंट बढ़े, सर इसमें आप क्या मानते हैं, क्या लोग लापरवाह हैं या प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक स्थिति है? उसमें प्रशासन की चूक को लापरवाह तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, हमने हमारे स्तर पे जो है अनलॉक वन और टू की स्थिति में हमसे जो बना उसको कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी जैसे दुकानदार हैं मास्क नहीं लगा रहा है, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहा है, पानी और जो साबुन और इस टाइप से जो है हाथ धोने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने जुर्माना भी किया है। जुर्माना भरने के बावजूद भी लापरवाही इस हद तक होती है कि जब तक प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक टीम जो रहती है तब तक वो व्यवस्थित रहते हैं और बाकी फिर बाद में वही पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन की स्थिति जो है पुनः लोकल स्तर पे निर्णय लेने की जो
स्थिति आई है वो उसी कारण से आई है। तो लापरवाही तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और आज भी आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोग जो है 5-6 पॉइंट पे लगा रहे हैं, और लगातार जो है बाइक पे अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति आ रहा है बिना मास्क के आ रहे हैं, और फोर व्हीलर में जो है 3 से ज़्यादा व्यक्ति बैठे हुए हैं, उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये इसी प्रकार जो है सतत चलती रहेगी। और हम लोग और जो हमारा हेल्थ टीम है उनको भी हमने ज़्यादा बढ़ाया है, और हम लोग जहाँ पर सैंपल लेने की जो हमारी गति है उसको हम लोग दोगुना कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट की स्थिति निर्मित हुई है, पहले जो पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि बड़वानी नगर में सभी वार्डों में ये स्थिति नहीं है, 2-3 वार्ड जो है बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट की स्थिति में आ रहे हैं, उनको हम लोग युद्ध स्तर पर सैनिटाइज भी कर रहे हैं, दवाई का छिड़काव भी कर रहे हैं, और साफ सफाई का भी ये गतिविधि हम लोग थोड़ी सी तेज करेंगे, और सैंपलिंग का काम भी हम लोग युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। ये जो 12 जुलाई तक सर लॉकडाउन लगाया गया था, इसको आगे और बढ़ाएगा, इससे क्या 5 दिन का जो है लॉकडाउन हम लोगों ने लगाया है, उसमें क्या स्थिति निर्मित होती है उसके आधार पे आगामी दिनों में हम लोग निर्णय लेंगे। अभी चूँकि आज ही लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, इसलिए आज की स्थिति में कहा जाना संभव नहीं है। तो ये थे SDM ओरिया जी, जिन्होंने लॉकडाउन पर खुलकर बात की। अब ये जो 5 दिन का लॉकडाउन लगा है, ये क्या रिजल्ट देता है, ये आने वाला समय बताएगा। इसके बाद क्या स्थिति निर्मित होगी, ये प्रशासन के ऊपर निर्भर है।